अरविंद यादव ब्लॉग के बारे में मैं ऐसी राज लेके आई हूँ, ऐसी राज पे समय पर्दा उठाने वाली हूँ, खुलासा करने वाली हूँ, जो आप लोग को भी सुन के होश उड़ जाएंगे। यानी मतलब लोग इतने नीचे गिर जाते हैं, इतने हद तक गिर जाते हैं कुछ व्यूज के लिए, जो सुन के आप लोग को भी होश उड़ जाएंगे। वही अरविंद यादव ब्लॉग जो विष्णु भैया के बारे में खुशखबरी चैनल से जाना जाता है, और बहुत ही कम समय में उनको आप लोग बहुत सारे प्यार दुलार सपोर्ट किए हैं, और उनका चेहरा बहुत जल्दी चमक गया है, और समझ में नहीं आ रहा है जो ऐसे ऐसे इतने नीच नीच लोग काम कर रहे हैं। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए वीडियो को करते हैं शुरू। और दोस्तों इस वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं तीन चार बात खास खास बातें आप लोगों को बताऊंगी तीन चार जने के बारे में। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए वीडियो को करते हैं शुरू। नमस्कार दोस्तों, मैं दर्पण भंडारी श्रमलक्ष ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में सब व्यस्त होंगे। व्यस्त रहना भी चाहिए, तभी आप अपनी फैमिली को अच्छी खुशियाँ दे पाएंगे, और मैं भी दोस्तों बहुत अच्छी हूँ आप लोगों को दुआ से। तो दोस्तों जो मेरे चैनल पर नए आए हैं, भूले भटके आए, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। दोस्तों इस वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहिए, दिल थाम के, जिगर थाम के वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। इसलिए जो ये वीडियो तीन चार खास बातें पे मैं रात फिर से पर्दा उठाने वाली हूँ, जो लोग समझदार होंगे वो मेरी बातों को अच्छी तरह से समझेंगे। और आप लोग से एक रिक्वेस्ट और है, जो आप लोग कॉमेंट का जरिया हम तक अपनी राय विचार जरूर पहुँचाना। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए वीडियो को करते हैं शुरू। सबसे एक नंबर की क्वेश्चन दोस्तों, जो मैं कल वीडियो बनाई थी, जो एक साल पहले वाला स्ट्राइक वाला गोरखप्रिया भौजी को ऊपर फिर से ये लोग कीचड़ उछाल रहे हैं, बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मेरी बातों को कोई नहीं मान रहे हैं। जब मेरे चैनल पे स्ट्राइक आया था तो पता मतलब ये लिखा हुआ रहता है, जो एक दिन अगेन आपका स्ट्राइक आया है, या दो दिन हो गया, या एक मंथ हो गया, या ऐसा हो गया, ओके। और वो वीडियो प्राइवेट भी कर दिया गया है, जो लॉक जाता लॉक का ताला। और लेकिन मेरे बात को कोई समझ नहीं रहे हैं, और क्योंकि ये गोरखपुरिया भौजी को ऊपर इंजाम झूठा पकड़ा गया ना, तो इस पे कोई वीडियो नहीं बना रहे अच्छे से, उल्टे बातों को झूठला रहे हैं। तो चलिए कोई बात नहीं, उनका एक बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। अब आप लोग जो कल मेरा वीडियो देखे होंगे तो बात समझ गए होंगे, जो कौन भी स्ट्राइक वाली बात दिखा रहे हैं। पहले जो गोरखपुरिया जो स्ट्राइक दी, चलो कोई बात नहीं, लेकिन झूठ तो नहीं बोलना चाहिए ना, इस तरह के बात तो नहीं करना चाहिए ना। सब जानते हैं, जिनके चैनल पे स्ट्राइक आया होगा वो सब जानते हैं, जो लाल डॉलर में क्या होता है, कट्टा का निशान, स्ट्राइक मतलब होता है पीला डॉलर, हरा डॉलर, सबको पता है। पीला डॉलर में एड नहीं आता, पैसा नहीं मिलता है, हरा डॉलर बनता है तो उसका पैसा आता है, और लाल कट्टा का चिन्ह आता है तो वो स्ट्राइक का चिन्ह होता है। अब बहुत सारे कॉपीराइट होती है, यूट्यूब तरफ से गाइडलाइन अलग होती है, कॉपीराइट जो लोग मारते हैं अलग, हर तरह से होती है। जो लोग बड़े यूट्यूबर होंगे या उनके चैनल पर स्ट्राइक आया होगा वो मेरी बातों को समझेंगे। लेकिन चलिए फिलहाल के लिए, क्योंकि गोरखपुरिया भौजी के बारे में झूठ पकड़ाया ना, तो उस बातों पर लोग आवाज़ उठाएंगे। तो अगर गोरखपुरिया भौजी के बारे में कुछ ऐसा होता तब देखिए दे दनादन लोग वीडियो बनाते। तो चलिए बातों को यहीं पर समाप्त करते हैं। अब आ गई अरविंद यादव ब्लॉग भैया के बारे में, जो विष्णु भैया के बारे में खुशखबरी चैनल से नाम से काफी प्रचलित है, और बहुत ही मतलब ऐसा चेहरा प्रचलित है, जो आप लोग बहुत ही कम समय में पैर दुलार दिए हैं, और कोई मतलब वीडियो कोई फेक नहीं बनाते हैं, बिल्कुल जो भी बनाते हैं अच्छे बनाते हैं, उनकी वीडियो मुझे सच्चाई लगती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन उनको इस तरह के मैटर मुद्दा में फंसा दिया गया है, जब से ये ऐसा टीम का आदमी है जो लोग अरविंद यादव भैया को टॉर्चर कर रहे हैं, झांसे में फंसा के उनको इस तरह के हालात पे पहुंचा दिए हैं। जब से गोरखपुरिया भौजी के बारे में कॉल रिकॉर्ड जो वायरल हुई थी उसके बारे में एक वीडियो बना दिए थे, दो वीडियो बनाए थे अरविंद यादव भैया ब्लॉग, दो वीडियो बनाए थे, उस दिन से उनको दुश्मनी हो गई है। क्योंकि वो लोग बोल रहे हैं, जो विष्णु राज के बारे में आप वीडियो बनाते हैं तो विष्णु राज के बारे में आप वीडियो बनाइए, उनको आप धोखा देते हैं, आप उस टीम में से चले गए। क्योंकि इधर का टीम में से जो है जो सबको टारगेट करते हैं, और जो भी बात नहीं उल्टा सीधा बोल के गाली गलौज देना, इतना झूठी झूठी बातें ये लोग मनगढ़ंत मतलब बनाते हैं, जो समझ में नहीं आता है। कुछ दिन सरिता विनोद फन पे भी वो लोग गाली दे रहे थे, मतलब ये लोग किसी को नहीं छोड़ते हैं, राधा दीदी को भी बोलते हैं, ढोरी दिखाती है, सीना दिखाती है, और कल परसों उन्हीं के ऊपर वीडियो बनाए, उनके भाई का जो एक्सीडेंट हो गया। यानी मतलब इन लोगों का टीम का कोई अता पता नहीं है, बिन पेंदी का लोटा है, कब इधर ढरक जाए कोई पता नहीं है, मतलब अपने स्ट्रेंथ पे अपने जुबान पे इन लोगों का कोई भरोसा नहीं है। ये समझ में आ गया।
अरविंद यादव ब्लॉग को इस तरह से ये लोग टारगेट किए हैं, जो जितने भी विष्णु भाई के ऊपर वीडियो बनाए थे खुशखबरी बेल हो जाएगी, वो वीडियो ये लोग इतना तनाव दिए, इतना ये लोग धमकी दिए, क्या क्या बोले, वो वीडियो मजबूरी में डिलीट करना पड़ा। अब बताइए अरविंद यादव ब्लॉक भैया से हम ये कहना चाहते हैं, जो अगर मेरा आप वीडियो देख रहे होंगे तो, और ऐसे देखते हैं मेरा वीडियो आप, मुझे पता है कमेंट भी करते हैं, थैंक यू उसके लिए, लेकिन आपको किसी के बातों में नहीं आना है, आपको जो करना है वो करिए, क्योंकि यहाँ पे जो आगे बढ़ते हैं उनको टारगेट किया जाता है, उनका लोग टांग खींचा जाता है, उनको लोग नीचे गिराते हैं, जैसे कि आप देख लीजिए गोरखपुरिया भोजी के नाम से सब रोटी सेकते हैं, जहाँ पे जिस पेड़ में ज़्यादा आम लगा रहता है ना, जो रास्ते में चलते रहते हैं बाट बटोही या मुसाफिर, वो भी एक ढेला उठा के ऐसे मारते हैं, जो दो ही चार आम गिर जाए हम ले कर चले जाए या खा ले, और उसी पेड़ के पास सब तक लगाए रहते हैं या बैठे रहते हैं या बच्चे खेलते हैं, तो इसी तरह गोरखपुरिया भौजी के ऊपर लोग वीडियो नहीं बनाएंगे तो व्यूज कैसा आएगा। तो आप किसी के बातों में मत आइए, आपको जो जैसा लगता है वैसा करिए, क्योंकि ये यूट्यूब का दुनिया जो है ना बड़ी जालिम है, किसी को अपने दुख से जितना परेशान नहीं रहते हैं उतना दूसरे के खुशी से परेशानी रहते हैं। अगर कहावत में कहा जाए जो अपने अपने घर के पड़ोसी बगल वाले बड़ा मकान बना देते हैं ना, तो उनको मकान देख देख के जिनका छोटा मकान रहता है उनकी हालत पतली हो जाती है, चिंता हो जाती है। तो चलिए ये बात हो गई। हाँ, अरविंद यादव ब्लॉग से लोग इतना नफरत करने लगे हैं जो मुझे कल पता चला, क्योंकि दो तीन लोग टारगेट करते ही हैं और मुझे पता है वो भी हमारे वीडियो देखते हैं, तो आपसे भी हम हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं जो प्लीज़ आप लोग किसी को टारगेट मत करिए और किसी को उल्टा सीधा मत बोलिए, क्योंकि मुझे भी आप लोग गाली दिलवा रहे हैं और मुझे भी आप लोग टारगेट करवा रहे हैं, और उसी लाइव में उसी वीडियो में आप लोग जाके कॉमेंट करते हैं, वाह वाह रेलते रहो बहुत अच्छा बहुत अच्छा, अब मेरे लाइव में आके आप लोग बोलते भाभी नमस्कार कैसी हो फलाने ढिकाने, हम ये आप लोगों को चालबाज बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, हम YouTube का फंदा जो लोग सोशल मीडिया पर जो काम करते हैं ना, हम सबको पहचान लिए हैं जो कौन कैसा है, किसी का कोई नहीं है, अपने फायदा के लिए अपने व्यूज के लिए, जिससे लोग सपोर्ट मांगने के लिए जाते हैं, जिससे लोग मिलने के लिए जाते हैं उन्हीं को ऊपर लोग बदनाम करते हैं, ये हो गया। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है जो अरविंद यादव ब्लॉग से लोग इतने नफरत करने लगे हैं जो मुझे रात में पता चली है, जब अरविंद यादव ब्लॉग भैया मेरे लाइव में जुड़े तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और जब ये बात बोले जो हम आपसे मिलना चाहते हैं तो मैं तो बिल्कुल होपलेस हो गई हूँ, क्योंकि देखते हैं दोस्तों वो हमसे ज़्यादा उनको सब्सक्राइबर है, ज़्यादा प्रचलित है, हम छोटे सब्सक्राइबर है, इस तरह के लाइव में आके ये बात बोलते हैं, और मैं दिल्ली में रहती हूँ तो मैं होपलेस हो गई थी, और फिर उसी दरमियान में फिर बातचीत हमारी होके भैया चले जाते हैं, उसके बाद में कोई जुड़ता है तो बोलते तुम्हारे लाइव में वकील जुड़ा था क्या, तो मैं बोली क्या बातों को झुठला रही थी, फिर दोबारा कमेंट किया मैंने हाँ, तो बोले नहीं उसे मिलना उलना मत, नहीं मैं मेरे लाइव में वो जुड़े थे, मुझे मेरा सौभाग्य की बात है जो मेरे लाइव में जुड़े और ऐसे ऐसे बात बोल रहे थे, तो वो मुझे क्या बोल रहे हैं, वो दुर्भाग्य की बात है जो तुम्हारे लाइव में जुड़े, जिस दिन तुमसे मिलने के लिए आएंगे मजे ले लेंगे तुम्हें छोड़ देंगे, और ऐसी ऐसी पटापट गंदे गंदे कमेंट कर रहे थे जो मुझे लास्ट में लाइव को मतलब उनके आईडी को ब्लॉक करना पड़ा। अब बताइए जो दुनिया कितनी जालिम है, अब सोचिए मतलब इस तरह से लोगों को नीचे गिराया जाता है, कीचड़ उछाला जाता है, जो आप कहीं उठने के लायक में नहीं रहेंगे, लेकिन वही लोग YT पे रह सकते हैं, पाँव जमा सकते हैं, जो किसी को परवाह ना करते हुए अपने जो अच्छा लगता है वो करिए, किसी को बातें मत सुनिए, क्योंकि फ्री में सलाह फ्री में ज्ञान देने के लिए बहुत लोग आ जाते हैं, ज्ञान बांटने के लिए बहुत लोग आ जाते हैं, लेकिन आप पे जो दर्द बीत रही है, आप कौन से सिचुएशन में हैं, कौन सी हालात में हैं, वो कोई नहीं देखता है, सिर्फ देख सबसे पहले आदमी को बेकार ही बात दिमाग में आता है, सही अच्छे बात नहीं आता है, सबसे पहले लोग गंदे बात ही सोचते हैं। तो चलिए आई होप आप लोग को वीडियो मेरा अच्छा लगा होगा, आशा करती हूँ जिनको भी बुरी लगी हो, मैं वीडियो बनाई थी किसी को ठेस पहुँचाने की उम्मीद में नहीं, जिनको भी बुरी लगी हो सॉरी क्षमा चाहते हैं, और आप लोग से भी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है जो आप लोग भी ऐसा काम मत करिए जो किसी को टारगेट करना, बंद करिए। और तो दोस्तों आप लोग कमेंट करके जरूर दोस्तों बताना जो मेरी वीडियो आप लोग को कैसी लगती कैसी नहीं, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, बाय बाय टाटा सी यू। हाँ एक बात और मैं बोलना चाहूँगी, आप लोग मेरे छोटे वाले चैनल पे जाके देखिए जो मुझे टारगेट करवाया जा रहा है, मुझे धंधे वाली कोठे वाली फलाना ITC मेरी बेटी को गाली दिया जा रहा है, मेरी मम्मी मरी हुई माँ को गाली दिया जा रहा है, लेकिन वो किसी को नहीं दिखता है, तो मैं जब तक
तोड़ूंगी नहीं, तब तक मैं छोड़ूंगी नहीं। छोटा वाला चैनल पर मैं वीडियो अपलोड करती हूँ उन लोगों को प्रसाद के लिए, तो जिनको आप लोग को देखना है आप लोग को भी, तो आप लोग जाके देख सकते हैं। मेरा इसी नाम से है, श्यामा लक्ष्मी ब्लॉग नाम से है, दोनों एक ही चैनल से है। तो आप लोग जाके देखिए और फिर इसमें भी आप लोग कॉमेंट करिए। बाय।